हाय गाइस, सबको स्वागत है टीएनजी रिव्यूज में। आज हमारे 30 दिन 30 अनबॉक्सिंग और 30 गिव अवे का सेकंड डे है। तो आज मैं आपको दे रही हूँ ओप्पो F7। आप मेरे पहले वाले वीडियो के अंदर भी पार्ट ले सकते हैं, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे आने वाले गिव अवेज को मिस ना करें। आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मेरे वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें और साथ ही इसको शेयर करें ताकि आपका गिव अवे का रिजल्ट जल्दी जल्दी आ जाए और आप अपने फेवरेट डिवाइस को जीत जाएं। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी टॉप फीचर्स ओप्पो F7 के, जिससे कि ये कमाल का डिवाइस बन जाता है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि गिव अवे के लिए आपको क्या करना है। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहला फीचर है हमारा नेविगेशन की का। पहली चीज तो इसमें ये है कि आप नीचे जो नेविगेशन बटन दिए गए हैं, होम बटन, बैक बटन और मल्टीटास्किंग बटन, उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब लेफ्ट साइड में आप मल्टीटास्किंग को भी रख सकते हैं या फिर बैक को रख सकते हैं, या फिर राइट साइड में मल्टीटास्किंग को रख सकते हैं या फिर बैक को रख सकते हैं। साथ ही इसके जो तीनों नीचे बटन है, आप उसको हाइड भी कर सकते हैं। नॉर्मली वो हाइड रहेंगे, जब आप ऊपर की तरफ स्वाइप अप करेंगे तो वो बटन्स बनकर आ जाएंगे। अगर आपको फुल व्यू डिस्प्ले चाहिए, बटन्स नहीं देखने अच्छे लगते, तो आप इसको ऑन करके रख सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक और चीज है कि आपको स्वाइप अप जेस्चर नेविगेशन भी मिलती है। मतलब कि अगर आप इसको ऑन करेंगे तो आपको बटन्स नहीं मिलेंगे बल्कि नीचे 3 लाइंस आ जाएंगी, जो कि वैसे तो आपको नजर नहीं आएंगी लेकिन वो आपके नेविगेशन में हेल्प करेंगी। इसके अंदर इन्होंने आपको 4 लेआउट दिए हैं जिसमें आप अपने आप चेंज कर सकते हैं कि आपको कैसा टाइप का नेविगेशन चाहिए। जैसे कि मैंने इसके अंदर 4th वाला चूज किया है, जिसके अंदर मेरा अगर मैं लेफ्ट साइड से स्वाइप अप करूंगी तो बैक हो जाएगा, बीच में से स्वाइप अप करूंगी तो मैं होम बटन पे आ जाऊंगी, और अगर मैं राइट साइड से स्वाइप अप करूंगी तो मेरा मल्टीटास्किंग आ जाएगी। इसको आप बिल्कुल अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं जैसा आपको पसंद है। अगला फीचर आता है हमारा असिस्टिव बॉल का। इसको ऑन करने के बाद हमारे पास एक बॉल आ जाएगी, और बॉल के अंदर भी आपको 3 फीचर्स मिलते हैं, एक तो सिंगल टैप, एक डबल टैप और एक टच एंड होल्ड। इसको भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब कि सिंगल टैप पे आप रख सकते हैं अपना बैक को, नोटिफिकेशन सेंटर को, लॉक स्क्रीन को, वन हैंड मोड को या स्क्रीनशॉट को। अभी इसके अंदर हमारा बैक सेट है। डबल टैप के अंदर अभी हमारे पास मल्टीटास्किंग सेट है, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और हमारे पास जो टैप एंड होल्ड है उसके अंदर होम बटन सेट है, आप देख सकते हैं। इससे भी आपकी वर्किंग काफी इजी हो जाएगी, आप काफी जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं अपना, और आप अपने डिवाइस को बहुत ही आराम से यूज कर सकते हैं। आपको बिल्कुल नीचे जाने की जरूरत नहीं है, जिस लेवल पे आपने डिवाइस को पकड़ा हुआ है उसी लेवल पे आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है हमारा मल्टीटास्किंग का, वीडियोस के अंदर और गेम के अंदर। पहले मैं आपको वीडियोस के अंदर बताती हूँ। ये मैंने अपना एक लास्ट वीडियो ऑन कर दिया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं नॉच के साइड में हमारे पास एक विंडो खुल गई है, जिसके अंदर अलग अलग फीचर्स हमें मिलते हैं। नीचे की साइड जो हमारे फीचर्स हैं, उसके अंदर आप स्क्रीन में जो भी चल रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और साथ ही आप नोटिफिकेशंस को बीच में स्टॉप कर सकते हैं। जैसे कि अब अगर हम वीडियो देख रहे हो या कोई मूवी देख रहे हो तो बीच में बार बार ऊपर से नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं, तो आप उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ आइकन्स बने हुए हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, मैसेंजर और मैसेजेस। तो आप इसके अंदर वीडियो देखते हुए भी मैसेजेस कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। ये फीचर अभी हमने वीडियो में यूज किया है, यही फीचर आपको गेम में भी मिलता है। लेकिन गेम में इसके अलावा भी आपको कुछ और भी फीचर्स मिलते हैं। जैसे कि अब मैंने गेम को ऑन किया है तो आप देख सकते हैं हमारा ओप्पो गेम एक्सेलरेशन ऑन हो गया है। इसके अंदर हमें कुछ फीचर्स दिए हैं ओप्पो ने, जैसे कि आप इसके ग्राफिक्स को बढ़ा सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन ऑन कर सकते हैं जिससे कि आप काफी स्मूथली गेम को खेल सकें, गेम इंजन ऑन कर सकते हैं जिससे कि आपके डिवाइस की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी गेमिंग के वक्त, नेटवर्क प्रोटेक्शन कर सकते हैं, मतलब कि आपके बैकग्राउंड में जो एप्स चल रही हैं उनको नेटवर्क बहुत ही लिमिटेड प्रोवाइड होगा जिससे कि आपका डाटा ज्यादा ना लगे, और साथ ही डू नॉट डिस्टर्ब भी मिलता है आपको। मतलब कि गेम खेलते वक्त आपको बिल्कुल भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कोई भी मैसेज या फिर कोई भी स्पैम कॉल्स नहीं आएंगी, आप आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के गेम को एंजॉय कर सकते हैं। और गेम के अंदर भी, जैसे मैंने अभी गेम ऑन करी तो आप देख सकते हैं जो हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी उसको आप कंट्रोल पैनल से भी ऑन कर सकते हैं, और साथ ही इसमें भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गेम खेलते हुए और चैटिंग भी कर सकते हैं। वैसे तो गेम खेलते हुए चैटिंग करना मुश्किल है क्योंकि गेम तो आप ही खेल रहे हैं। ये चीज मुझे लगता है कि वीडियो में ज्यादा बेटर है। अगर वीडियो चल रहा है पीछे और आप उसको पॉज नहीं करना चाहते तो आप उसके साथ ही चैटिंग कर सकते हैं, पर गेम के वक्त तो मुझे लगता है कि चैटिंग करने के लिए या कुछ रीड करना हो आपको तो गेम तो आपको पॉज करनी ही पड़ेगी। लेकिन अच्छी चीज है कि ओप्पो ने ये फीचर आपको दिया है।
साथ ही एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगी कि मेरे पास आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, मुझे दो वीडियोस डालने होते डेली के, तो मैं कमेंट्स को अप्रूव नहीं कर पा रही हूँ, डिलीट नहीं कर पा रही हूँ। कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा चीप कमेंट्स कर रहे हैं, उनको बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि लड़की से कैसे बात करनी चाहिए। तो अगर आप वो कमेंट्स को देखते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनको कमेंट कर दीजिए, आप मेरे सारे वीडियोस के अंदर उनको कमेंट बैक कर सकते हैं। इसके साथ आपको कुछ और भी फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स, जिसमें आपके कुछ अल्फाबेट्स ऑलरेडी सेट हैं कि अगर आप ओ बनाएंगे ऑफ स्क्रीन के ऊपर तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, वी बनाएंगे तो आपकी टॉर्च ऑन हो जाएगी। अगर आप रैंडम पिक्स खींचते हैं तो ये आपके लिए फीचर काफी बढ़िया है, और नॉर्मली इवनिंग में नाइट में अगर आपको एकदम से टॉर्च ऑन करनी है तो भी ये काफी बढ़िया चीज है, आपको अनलॉक करने की जरूरत नहीं, अपने फोन को सीधा अपनी टॉर्च ऑन करो। इसके साथ ही आपको स्मार्ट असिस्ट मिलता है जो कि आपके लेफ्ट साइड में आएगा होम स्क्रीन से। इसके अंदर आप अपने फेवरेट एप्स रख सकते हैं, फेवरेट कॉन्टैक्ट्स रख सकते हैं, कोई इवेंट्स रख सकते हैं, कैलेंडर रख सकते हैं, और इसके अंदर आप अपने स्टेप्स ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितनी देर चले थे आज या कितनी देर आप बैठे हुए थे, और इसको आप अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं कि कौन कौन से आपको ऐप्स चाहिए जो इसके अंदर नजर आए, कौन कौन से ऐप्स ना नजर आए, ये आप अपने हिसाब से इसको पूरी तरह कस्टमाइज कर सकते हैं। और बढ़िया चीज ये है कि अगर आपको ये बिल्कुल ही नहीं पसंद कि अपने डिवाइस में नहीं चाहिए तो आप इसको अंदर सेटिंग्स में जाके कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर आपको कुछ और सिक्योरिटी फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि किड स्पेस। बहुत ही दिक्कत होती है, कई बार बच्चों के हाथ में डिवाइस होता है, वो कहीं कॉल्स मिलाने लग जाते हैं, कुछ ऑर्डर ही कर देते हैं, काफी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों के हाथ में डिवाइस देने पे। तो इसके अंदर आप अपनी ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं कि कितनी देर के लिए आपका किड मोड स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही इसके अंदर आप कुछ ही एप्स को अलाउ कर सकते हैं कि आपका बच्चा देख सके, बाकी एप्स अपने आप हाइड हो जाएंगी जितनी भी ड्यूरेशन तक आप ये किड स्पेस को ऑन रखेंगे। तो काफी अच्छा फीचर है, बच्चे कई बार बहुत ही प्रॉब्लम कर देते हैं फोन्स के अंदर, उनको हम कुछ कह भी नहीं सकते, ये बेटर है कि आप अपने डिवाइस को खुद ही ऐसा सेट कर लें कि वो कोई पंगा कर ही ना पाए। साथ ही इसके अंदर आपको एक प्राइवेट सेफ भी मिलता है जो कि आपके कम्प्लीटली एक सेफ की तरह ही है। इसके अंदर आप अपनी वीडियोस को, फाइल्स को, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं जो कि आप नहीं चाहते हैं कि अगर आपके आपका डिवाइस किसी और के हाथ में है तो वो इसको देखें, ये कम्प्लीटली सेफ रहेगा। इसके अंदर आपका एक और लॉक सेटअप हो जाएगा, ये आपके मेन लॉक से अलग लॉक है, तो बेटर है, आपकी सिक्योरिटी और बढ़ गई। अगर आपका फोन आपकी किसी गर्लफ्रेंड के हाथ में है या वाइफ के हाथ में है तो कोई प्रॉब्लम वाली चीज वो ना देखें, या आप इसको सेव करके रख सकते हैं यहाँ पे। और अब आता है हमारा सबसे बेस्ट फीचर जो हमें इसके अंदर मिलता है, वो है हमारा फेस रिकॉग्निशन। इसका फेस रिकॉग्निशन बहुत ही फास्ट है, नॉर्मली OnePlus 5T का कहा जाता था कि बहुत ही सुपर फास्ट है उसका, इसका भी उसके ऑलमोस्ट बराबर ही है। अब अगर हमारा OnePlus 6 आ गया है तो उसके अंदर भी हमें फास्ट मिलता है, इसके अंदर भी हमें फास्ट मिलता है। मैं जल्द इसको कंपेयर भी करके देखूंगी कि दोनों में से एक्चुअल में फास्ट है किसका, लेकिन देखा जाए तो कुछ ही फ्रैक्शंस का ही फर्क आएगा। ऑलमोस्ट दोनों का ही बहुत ही बढ़िया फेस रिकॉग्निशन है, और फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसका कमाल का है, बहुत ही जल्दी डिवाइस को खोल देता है, तो कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर खोल देता है, आपका फोन सीधा अनलॉक हो जाता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। ओप्पो F7 के अंदर ओप्पो ने बहुत सारे फीचर्स डाल दिए हैं, ये तो अभी मैंने आपको सिर्फ टॉप 10 बताए हैं, अभी कुछ हिडन फीचर्स भी हैं जो हमें इसके अंदर मिलते हैं। मेरे हिसाब से ओप्पो को तो साथ में एक बुकलेट देनी चाहिए थी ताकि हमें इसके पूरी तरह फीचर्स को समझ सके। एकदम कमाल का डिवाइस है ये, बहुत ही बढ़िया डिवाइस है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस डिवाइस को जीत सकते हैं 3 इजी स्टेप्स से। सबसे पहले आपको इस वीडियो को करना होगा लाइक, और साथ ही बहुत ज्यादा शेयर करना होगा ताकि रिजल्ट जल्दी जल्दी आए, और तीसरा आपको नीचे करना होगा कमेंट। और जैसे कि मैंने आपको रिक्वेस्ट करी है, कोई भी चीप कमेंट होता है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, और इसका रिजल्ट आपको सिर्फ 3 लाख व्यूज के बाद मिल जाएगा इंस्टा पे या फेसबुक पे। तो मुझे आप वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि फटाफट से हमारा रिजल्ट आए।